हेलो गाइस, नमस्ते। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आइए, आज हम बनाने जा रहे हैं गोभी के पकोड़े। ये देखिए आप, गोभी के पकोड़े बनाने जा रहे हैं हमने। और ये लिया हमने बेसन, बेसन को घोल लिया है और बेसन में हमने हल्दी और मिर्ची डाल के मिक्स कर लिया है इस तरह से। तो चलिए हम बताते हैं आपको। हमने बेसन के अंदर डाला है हल्दी, मिर्ची और नमक, ये देखिए। और हमने गोभी को काट के रख लिया था। और हमने सिर्फ गोभी को काटा है और धोया है, इसको भपाया नहीं है। हम बगैर भपाए इसको बनाएंगे। कई लोग भाप लगा के बनाते हैं, लेकिन हम इसको बगैर भाप के बनाएंगे। ये देखो, चलिए तो हम देखते हैं गोभी के पकौड़े। ये हमने कढ़ाई चढ़ा दी है और गैस हम चालू करने चल रहे हैं। और अब हम इसमें तेल डालेंगे। और बताइए आप लोग क्या कर रहे हो, आज क्या बनाने वाले हो। आप लोग मुझे कमेंट में बताया करिए कि मेरी वीडियो कैसी लगी। और कमेंट में ये भी बताइए, सजेशन दीजिए कि मुझे और क्या करना चाहिए, किस तरह करना चाहिए। तो गाइस, ये गोभी के पकोड़े बनेंगे। तो गोभी के अनुसार हम इसमें तेल डालेंगे, यानी ज़्यादा तेल डालेंगे। आप देख सकते हैं ये मैंने इसमें काफ़ी तेल डाल दिया, जिससे कि गोभी पूरी डीप हो जाए। देखिए गाइस, तेल गरम हो गया है और अब हम इसमें चल रहे हैं ये गोभी डालने। आप देख सकते हैं इस तरह से गोभी को डिप करके और इस तरह ऐसे ऐसे करके डालेंगे। बड़े ध्यान से डालना तेल, क्योंकि गरम है तो हाथ में ना लग जाए। इस तरह डालना है, ध्यान को, हाथ को ध्यान से रख के। ये देखिए किस तरह मैंने पूरी कढ़ाई में पकोड़ों को डाल दिया है और आँच को कम कर दिया है। जब हम पकोड़े डालते हैं तो आँच को कम कर देते हैं, नहीं तो जब तक हम डालते रहेंगे तब तक बाकी सारे लाल हो जाएंगे। इसलिए कम फ्लेम पे हम पकोड़ों को डालेंगे ताकि हमारे पकोड़े जले नहीं। अब बिल्कुल ध्यान से डालना है क्योंकि तेल गर्म होता है। आप देख सकते हैं मैंने किस तरह पूरी कढ़ाई को भर दिया है। आप अपनी कढ़ाई के अनुसार तेल डालें। अब गैस को तेज कर देंगे। देखिए गाइस, मैंने ऐसे पकोड़ों को, जब हम पकोड़े डालते हैं तो हमें तुरंत नहीं पलटना होता है, नहीं तो वो टूट जाते हैं। तो दो मिनट के बाद हम उसको ऐसे पलटेंगे सभी पकोड़ों को। आप देख सकते हैं मैंने किस तरह इसको आराम से सबको पलट लिया है। और हम थोड़ी देर इसको सेकेंगे, हम ये जल्दी से नहीं निकालेंगे क्योंकि हमारी गोभी कच्ची है, तो गोभी को पकने के लिए भी थोड़ा टाइम देंगे। और आप मुझे बताना कि आप गोभी के पकोड़े कैसे बनाते हो, और मैंने इसमें मतलब कोई मिस्टेक कर रही हो तो भी बताना। और मैं ज़्यादातर गोभी के पकोड़े ऐसे ही बनाती हूँ, बेसन को चाल के उसमें नमक, हल्दी और मिर्ची मिक्स करके, और सिंपल वे में बनाती हूँ। मैं हर चीज़ है जो सिंपल वे में ही बनाती हूँ। हम लोग ज़्यादा तेल मसाला कम यूज़ करते हैं, मसाले बहुत ही कम यूज़ करते हैं क्योंकि वो हमारी सेहत के लिए अच्छे नहीं होते। तो मैं ज़्यादातर सोचती हूँ कि मैं जो भी बनाऊँ हेल्दी बनाऊँ, मतलब उसको खा के ज़्यादा नुकसान ना हो। क्योंकि हम घर में बना रहे हैं तो हम अपनी मर्जी से बना सकते हैं। बाहर का जैसे होता है कि तेल मसाला तेज़ और मसाले भी ज़्यादातर तेज़ रखते हैं, क्योंकि अगर वो अच्छा नहीं होगा तो बिकेगा कैसे। तो अब मैंने जैसे कि ये सिंपल वे में बनाया है, लेकिन मैं इसके साथ जैसे हरी चटनी बना लो, आपको तीखा पसंद है तो हरी चटनी बना ली और मीठी चटनी बना ली। मेरी बच्चे छोटे हैं तो मैं ज़्यादातर वैसे भी मसाला कम रखती हूँ ताकि वो लोग सही से खा सकें। आप देख सकते हैं ये हमारे पकोड़े बन गए हैं। ये देखिए बिल्कुल कलर एकदम सही से आ गया, और मैंने काफ़ी देर धीरे धीरे आँच में इनको पकाया। ये देखिए एकदम अच्छा कलर आया है ना। और आप, मैं इसको सर्व करके दिखाती हूँ। जैसा कि मैंने बताया, हरी चटनी, लाल चटनी, आपको जो पसंद हो उसके साथ आप इसको सर्व कर सकते हो।
तो मैंने ये प्लेट्स प्लेटिंग की है, ये मैं सर्व कर रही हूँ। पकोड़े निकालते समय याद रखिए कि गैस तेजी होनी चाहिए, अगर आप गैस कम कर दोगे तो पकोड़ों में तेल बहुत सारा आ जाएगा। ये देखिए आपने, ये मैंने इस तरह प्लेटिंग करी अपने पकोड़ों की। आप भी इस तरह पकोड़े बनाइए और मुझे बताइए। ये मैंने मिर्ची भी रखी है साथ में और मीठी सॉस, ताकि अगर मेरे हस्बैंड को तीखा खाना हो तो वो मिर्ची ले सकते हैं। धनिया मिर्ची की चटनी मैंने बनाई नहीं है तो इसलिए मैंने उसको रखा नहीं है, और मैंने ये लाल सॉस रखी है बच्चों के लिए। तो अब आज क्रिसमस है, मैंने ये क्रिसमस पे बनाया है सुबह सुबह पकोड़े। तो चलिए देखिए बंसी का प्रयोग कैसे लगते हैं, आप देखिए इसको, और प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बताइए मुझे कमेंट में कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।